हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी सादिया। इफ़ यू न्यू हियर सो वेलकम टू माय चैनल, एंड इफ़ यू रिटर्निंग सब्सक्राइबर सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो है हमारा डे 6 है हमारे आई मेकअप का, और मैं जो हूँ आज क्रिएट करने लगी हूँ गोल्डन कलर का, लाइक ऑलिव कलर का आई मेकअप लुक। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन द नोटिफिकेशंस बेल एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एज वेल। सो या लेट गेट टू स्टार्ट दिस वीडियो नाउ। सबसे पहले तो हमने कर लेनी है अपनी आईब्रोज को बना लेना है, और आईब्रोज के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ आईब्रोज जेल जो है हमारी, वो मैं यूज़ करी जो कि कारा ब्यूटी का है। और अब जो है मैंने यहाँ पर टेप लगाई है अगेन, और इसको लेके हमने इस वजह से यूज़ कर रही हूँ ताकि हमारे जो आउटर कॉर्नर का जो एरियाज़ हैं वो अच्छे से सेट हो जाएं। और यहाँ पे ब्यूटी ग्लैमरस फेस की अगेन आई शेडो पैलेट ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है ब्लेंडिंग ब्रश जो कि है अर्बन डेके का, मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्लेंडिंग ब्रश। और इसको लेके जो फ्लफ़ी साइड है उसकी, हमने उसे अच्छे से लेके कॉर्नर का एरिया को ब्लेंड कर लेना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो शेड लिया है वो है ब्राउन कलर का शेड। इसको सिर्फ हमने कॉर्नर का एरिया को ब्लेंड करके लिटिल बिट क्रीज साइड का जो ये वाला एरिया यहाँ तक लाना है। और अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये वाला कलर जो कि है ग्रीन कलर में, बहुत खूबसूरत का यह कलर इसको आई थिंक कहते हैं। और अब मैं यहाँ पर सेम ब्रश लेके उसका जो अपोजिट साइड है जो कि इसका थोड़ा सा छोटा सा फैब ब्रश, वो लेके मैंने इसको ब्लेंड कर लेना है ताकि ये अच्छे से जो आउटर कॉर्नर है हमारा वो ब्लेंड हो जाए। ये ऑलिव कलर का ये भी शेड है, बहुत खूबसूरत है। ओके, जब मैंने इतने टाइम से मेरे पास ये पैलेट रखी हुई थी और मैंने इसको एक ही दफ़ा यूज़ किया था, उसके बाद मैंने इसको यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे इसके आई शेडोज बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे, बहुत चंकी चंकी से बहुत जल्दी गिर जाते हैं। लेकिन अब मैंने जो इनको 5 डेज में 6 डेज में यूज़ किए तो मुझे काफ़ी पसंद आए। पसंद किस वजह से आए हैं उसका रीज़न आपको बता दूं कि इसके जो जितने भी शेड हैं ना बहुत खूबसूरत है, यानी कलर वाइज इट्स रियली गुड, लेकिन पिगमेंटेड के लिए ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। सो यहाँ पे जो है मैंने अगेन ब्रश लेके इसको जो हमारा आउटर कॉर्नर का एरिया है उसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये ऑलिव कलर का, ये वाइट सिल्वर कलर का शेड, और इसको लेके हमने अपनी ब्रो बोन के एरिया के ऊपर अप्लाई कर देना है सिल्वर शेड। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सिल्वर शेड इतना मज़े का नहीं है, देखें कितना बुरा लग रहा है। तो रीज़न यही है मेन कि जो मुझे ये आई शेडोज़ पसंद नहीं है, रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा जो है ना अजीब से लगते हैं आई शेडोज़, यानी फटे फटे से तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए हैं, लेकिन कलर वाइज इट्स रियली ब्यूटीफुल। और अब जो है मैं यहाँ पे कर रही हूँ कट क्रीज, और कंसीलर ले रही हूँ मैबेलिन फिट मी का जो कंसीलर है उससे लेके हमने इसे कट कर लेना है। आप जब भी अपनी कट क्रीज करें तो मेक श्योर करें कि हाथ बहुत लाइट रखें, लाइट हैंड से जो है ना आप कट क्रीज करें, ठीक है। और अब यहाँ पे जब ये कट क्रीज हो गया है तो मैंने यहाँ पे ऑलिव शेड यूज़ किया है, और अपनी आईलिट एरिया के ऊपर मैं इसे लेके अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। तो अब मैंने जो है इसको फिंगर टिप्स की हेल्प से किया क्योंकि ब्रश की हेल्प से इतना यूज़फुल नहीं था। और अगेन वही ऑलिव शेड लेके मैंने इसको कॉर्नर की एरियाज़ को, क्रीज की साइड को ब्लेंड किया है। ये ज़रूर लाजमी पार्ट करें आप जब भी आप कट क्रीज करें ना, तो उसके बाद जो है आपको ये वाला आई मेकअप करना, यानी कि जो भी कलर आपने यूज़ इस्तेमाल किया है बिफोर दैट क्रीज के ऊपर, तो आप उसके बाद भी इसको अप्लाई करें। और यहाँ पे मैंने 5 डिमिंग आई लैशेज अप्लाई की है, मुझे ये बहुत पसंद है, इतनी अच्छी हैं, लेकिन ये थोड़ी सी हैवी होती हैं, जब आप अप्लाई करो ना तो थोड़ी सी ये चुभती हैं। सो अब मैं जो हूँ यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ हमारा सेम वही कलर जो मैंने क्रीज लाइन, यानी ऑलिव कलर का जो शेड है वो अप्लाई किया, जो कि क्रीज लाइन पे मैंने अप्लाई किया था, एंड इसे लेकर लोअर लैशेज पे मैंने किया है अप्लाई। आईलाइनर मैं पहले ही लगा चुकी हूँ, आईलाइनर की मैंने वीडियो नहीं इसमें शूट की है क्योंकि आपको मैं 5 डेज की जो वीडियोस हैं उसमें बता चुकी हूँ कि मैं कौन सा आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। मैं यूज़ कर रही थी एले गर्ल का आई जेल आईलाइनर। रीज़न ये है कि जब भी आप शिमरी मेकअप करो ना उस पर आप जेल आईलाइनर ही यूज़ करो, लिक्विड आईलाइनर भी ठीक होता है लेकिन जेल आईलाइनर जो है ना वो बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। सो यहाँ पे हो गया है हमारा आई मेकअप डन, एंड यहाँ पे और इनर कॉर्नर की साइड को मैंने सिल्वर शेड अप्लाई किया है। एंड या दैट्स ऑल गाइज, एंड आई होप कि आपको आज की भी क्विक मेकअप ट्यूटोरियल पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड या डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल सो यू डोंट मिस माय वीडियो। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ मेक श्योर कि वीडियो को लाइक करिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब एंड शेयर भी ज़रूर करिएगा क्योंकि वीडियोज़ बहुत मेहनत से बनती हैं। अगर आप लोग नहीं करेंगे शेयर सब्सक्राइब लाइक तो
हौसला ख़त्म हो जाता है बनाने का। ठीक है, सो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।